कोविड-19 की दूसरी लहर ने भारत में जबरदस्त तबाही मचाई है। काफी लोगों की मौत इस खतरनाक वायरस के कारण हो चुकी है। इस वायरस के संक्रमण से मरने वालों की लाशों को अस्पताल द्वारा पैक करके दिया जाता है और ऐसे ही इन लाशों का अंतिम संस्कार किया जाता है। काफी लोग इस बात को जानना चाहते हैं कि कोरोना संक्रमित व्यक्ति की मौत के बाद क्या प्रोटोकॉल्स हैं, कैसे शव को परिवार को दिया जाता है और क्या कोरोना वायरस मृत शरीर से फैल सकता है। इस खबर में हम इन्हीं सवालों का जवाब तलाश करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कोरोना संक्रमित शख्स की मौत के बाद क्या गाइडलाइंस फॉलो की जाती हैं। साल 2020 में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने कोविड-19 से होने वाली मौतों के लिए गाइडलाइंस बनाई थी। जिस वक्त ये गाइडलाइंस तैयार की गई थी उस वक्त तक भारत में केवल 2 लोगों की मौत इस बीमारी के कारण हुई। उस दौरान तक जो जानकारियां उपलब्ध थी उनके आधार पर ये गाइडलाइंस बनाई गई थी। इनमें बताया गया कि साफ सफाई का ध्यान रखें, पीपी किट का इस्तेमाल करें जो वाटरप्रूफ हो, मास्क, चश्मे, ग्लव्स आदि का भी इस्तेमाल करें। शव को डिसइंफेक्टेंट बैग में रखा जाए, इसके बाद परिवार द्वारा दी गई सफेद चादर में शव को लपेटा जाए। जो भी स्टाफ शवों के संपर्क में आ सकता है उसे इस बात की ट्रेनिंग दी जाए कि कैसे इन्फेक्शन को फैलने से रोका जा सकता है। मरीज के शरीर में लगी ट्यूब्स आदि को सावधानी से हटाना चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि शव से कोई तरल ना रिसे। 1% हाइपोक्लोराइट की मदद से बैग को डिसइंफेक्ट करना चाहिए जिसमें शव को रखा जाना है। अगर परिवार के लोग आइसोलेशन रूम से ले जाते वक्त शव को देखना चाहें तो सावधानी बरतते हुए उन्हें ऐसा करने की इजाजत दी जा सकती है। परिवार के लोगों के अलावा शव किसी और के सुपुर्द नहीं किया जाना चाहिए। कोरोना संक्रमित के इलाज के दौरान जिन भी उपकरणों का इस्तेमाल किया गया था उन्हें भी डिसइंफेक्ट किया जाए। सभी मेडिकल वेस्ट का सही से निस्तारण किया जाए। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट नियमों को ध्यान में रखा जाए। परिवार के लोगों की काउंसलिंग की जाए और उनकी भावनाओं का पूरा ख्याल रखा जाए। आइसोलेशन एरिया को 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन की मदद से साफ किया जाना चाहिए। शवों को मॉर्चरी में रखने के दौरान कोल्ड चैम्बर में तापमान 4°C होना चाहिए। मोचरी को साफ रखना चाहिए। हर सतह को 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन की मदद से साफ करना चाहिए। मोचरी से शव को बाहर निकालने के बाद फर्श, दरवाजे के हैंडल आदि को 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से साफ करें। जहां तक संभव हो शव का पोस्टमार्टम नहीं किया जाए। अगर किसी वजह से ऐसा करना जरूरी हो तो खास सावधानियां बरती जानी चाहिए। शव को जिस वाहन में ले जाया जाए उसे भी ठीक से साफ किया जाना जरूरी है। जो लोग शव के साथ हों वो भी सर्जिकल मास्क और ग्लव्स का इस्तेमाल करें। शमशान घाट को भी सैनिटाइज किया जाना चाहिए ताकि रिस्क ना हो। अंतिम संस्कार की जगह पर काम करने वालों को भी मास्क और ग्लव्स का इस्तेमाल करना चाहिए। बैग खोलकर शव को देखा जा सकता है लेकिन ऐसा करने के दौरान सावधानी रखी जानी चाहिए। शव को नहलाना, गले लगाना और चूमना वर्जित है। ऐसा करने से लोगों को रोका जाना चाहिए। अंतिम संस्कार के बाद इसमें शामिल लोगों को हाथ सही से धोने चाहिए और साफ सफाई रखनी चाहिए। अंतिम संस्कार की जगह पर किसी भी तरह की भीड़ जमा नहीं होनी चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। शव की राख से किसी तरह का कोई खतरा नहीं है और राख एकत्र की जा सकती है। जानते हैं इस मामले पर क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स। दिल्ली के पंडित मदन मोहन मालवीय अस्पताल के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर मणि शंकर प्रियदर्शी बताते हैं कि हम लोग कोविड पेशेंट के शव को इन्फेक्टेड मानते हैं। परिजनों को शव पैक करने के बाद सौंपते हैं। बेहद सावधानी के साथ शव को पैक किया जाता है और साथ में 2 अटेंडेंट भेजे जाते हैं जो शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाते हैं। इन दोनों लोगों को पीपीई दी जाती है और 2 पीपीई किट परिजनों के लिए भी भेजी जाती हैं ताकि परिजन अंतिम संस्कार के वक्त उन्हें पहन सकें। वे कहते हैं, निश्चित तौर पर शवों से कोरोना फैलने के चांसेस हैं। अगर ऐसा ना होता तो दुनिया में शवों को इतनी सावधानी के साथ पैक नहीं किया जाता। लोग दुखी होते हैं और वो अपने परिजन को छूना और उनसे लिपटकर रोना चाहते हैं, लेकिन ऐसा करने से संक्रमण फैल सकता है। शव जिस बैग में रखे जाते हैं उनको हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन से साफ किया जाता है। शव को एक शीट में लपेटकर इस बैग में रखा जाता है। साफ सफाई का पूरा ध्यान दिया जाता है। जो 2 अटेंडेंट उपलब्ध कराए जाते हैं उन्हें मोक अटेंडेंट कहा जाता है। शव को अंतिम संस्कार वाली जगह पर ले जाने वाली गाड़ी उपलब्ध कराई जाती है। ये तमाम कवायद इसलिए क्योंकि शव से संक्रमण के चांसेस होते हैं। दिल्ली के ही एक बड़े अस्पताल के कोविड वार्ड में ड्यूटी कर रहे डॉक्टर ने नाम नहीं छापने की शर्त पर कहा, सरकार ने कोविड पेशेंट की मौत के बाद की गाइडलाइंस जारी की है। दरअसल खतरा शव से नहीं बल्कि शव से निकलने वाले फ्लूइड से होता है। शव अगर चंद दिनों तक रखा रहता है तो फ्लूइड के चांसेस बढ़ जाते हैं। शव पर वायरस ना हो इसके लिए उसे डिसइंफेक्टेड किया जाता है। इसके बाद 2 लेयर में उसे पैक किया जाता है और फिर बैग में रखा जाता है ताकि कोई भी फ्लूइड बॉडी के पास ना हो। देखिए, शव से वायरस फैल सकता है इसलिए हम लोग इतनी सावधानी रखते हैं।
गाइडलाइंस का पालन करते हैं, शव को परिजनों को नहीं दिया जाता और घर नहीं भेजा जाता, बल्कि हमारे लोग गाड़ी से सीधे अंतिम संस्कार वाली जगह पर उसे ले जाते हैं। इसके लिए लोगों को ट्रेनिंग दी गई है कि कैसे शवों को हैंडल किया जाना है। तो निष्कर्ष यही है कि शवों का जल्द से जल्द अंतिम संस्कार कराया जाता है ताकि शरीर से कोई फ्लूइड ना निकले। साथ ही उसे पैक भी इसलिए किया जाता है कि कोई फ्लूइड बाहर निकलकर किसी सरफेस को ना छुए। विशेषज्ञ मानते हैं कि शव के सलाइवा और बलगम जैसे फ्लूइड से कोरोना फैल सकता है, इसलिए सावधानी के साथ शवों का अंतिम संस्कार वक्त से ही किया जाना चाहिए। आपके लिए ये तमाम जानकारी लाए हैं हमारे साथी वरुण। मेरा नाम है दिव्यांशी। शुक्रिया।